है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, कि फर्स्ट केस ले रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल बॉक्स में है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो है इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, स्टेप पोटेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट पोटेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, या इसे हम ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर को सब पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल बैरियर ये होता है कि जब हम दो मटेरियल को सेमीकंडक्टर के केस में पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये पी टाइप मटेरियल और ये एन टाइप मटेरियल, जब इनको कांटेक्ट में रखा जाता है तो पी टाइप मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और एन टाइप जिसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर मेजॉरिटीज ऑफ होल्स और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन एन टाइप मटेरियल देयर इज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी ऑफ होल्स। तो हम ये कहते हैं कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ होल एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसमें माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइनॉरिटी ऑफ होल एग्जिस्ट करेंगे। अब इस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ होल हैं तो माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एन टाइप मटेरियल है तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अब ये इन दोनों पॉइंट में यहाँ पर ये बाउंड्री आ रही है, ये दोनों पॉइंट के लिए ये बाउंड्री आ रही है। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि जब इनको कांटेक्ट में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये एज अ होल एन टाइप मटेरियल ये न्यूट्रल होगा, पी टाइप मटेरियल होल जो होगा न्यूट्रल होगा, लेकिन अट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पर ये होल है तो ये नेगेटिव चार्ज जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज होगा तो ये एटम जो होगा तो ये एज अ नेगेटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगी, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ होल अपीयर होगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेंगे तो यहाँ पर होल जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी एज अ होल की फॉर्म में जनरेट होगी। तो हम इस रीजन को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर अब ये वाली रीजन जो होगी तो ऐसे लेयर हमारे पास बनेगी कि यहाँ पर एक साइड ये इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड ये होल की लेयर आएगी। अब ये वाली रीजन जो होती है जब हम बैटरी की बात करते हैं तो उसके दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल होते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है। तो अब ये वाली रीजन जो होगी तो अब फर्दर इलेक्ट्रॉन या फर्दर होल यहाँ से डिफ्यूज करके नहीं आ सकेंगे। इसकी रीजन ये होगी कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है, तो जो पोटेंशियल आप सिलिकॉन जर्मेनियम तो हर केस में डिफरेंट पोटेंशियल फॉर्म होता है, 1.7 0.7 इतना पोटेंशियल फॉर्म होता है। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन या होल इनकी एनर्जी इस पोटेंशियल से ज्यादा होगी तो ये इसको रीजन को क्रॉस कर देंगे। अब ये वाली रीजन जो होती है तो इस रीजन को हम वहां पर नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन का, और इसी रीजन को हम ये कहेंगे कि ये एज अ बैरियर है। बैरियर मीन एज अ रुकावट है कि इस बैरियर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव नहीं कर सकते। तो ऐसा ही बैरियर आज हम डिस्कस करते हैं इस केस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, तो इसकी एप्लीकेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक केस लेते हैं यहां पर ओरिजिन ले लेते हैं जिस पर x इज इक्वल टू 0 है, वर्टिकल डायरेक्शंस में पोटेंशियल लेते हैं, तो पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट। अब हमने ये कहा है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो यहां पर एक बॉक्स कंसिडर करते हैं, तो यहां पर भी पोटेंशियल हम ले लेते हैं कि ये पोटेंशियल वी नॉट आ रहे हैं। अब इस केस में तीन रीजन फॉर्म हो रही हैं, तो एक रीजन ये हमारे पास आ रही है, दूसरी रीजन ये और ये तीसरी रीजन आ रही है, रीजन 1, 2 एंड 3 तीन रीजन फॉर्म हो रही हैं। अब यहां से रीजन वन जो है तो इस केस में थ्रू आउट जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किए हुए इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किए हुए,
इस केस में जो पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं तो यहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल। अब यहां पर रीजन 3 में ये जो बाउंड्री आ रही है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं। रीजन 2 में जो पोटेंशियल है तो रीजन 2 में जो पोटेंशियल है वी नॉट इज इक्वल टू 0, तो देयर इज अ नो पोटेंशियल इन रीजन 2। अब रीजन 2 में पोटेंशियल नहीं है तो अब ये केस हमारे पास आ रहा है ऐसे कि यहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किए हुए और ये पोटेंशियल ये आ रहा है वी नॉट, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किए हुए, इधर भी हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वी नॉट अप्लाई किए हुए, लेकिन ये वाली रीजन जो है तो सेंटर वाली रीजन, इस रीजन में हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हुए, तो ये एज अ बॉक्स हमारे पास बन रहा है। जब हम अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई ना करें तो ये पार्टिकल यहां से ट्रेवल आएगा। अब सपोज करते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है तो इस रीजन में लाई कर रहा है, यहां पर हम ये पार्टिकल लेते हैं कि जो रीजन 2 में या जो कि बॉक्स में लाई कर रहा है। अब यहां पर ये पार्टिकल जो है ये बॉक्स में लाई कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ले लें, कोई भी चार्ज पार्टिकल, यहां पर अगर नेगेटिव हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ही ले लें, तो जब ये पार्टिकल इधर मूव करेगा तो अब यहां पर पोटेंशियल जो है ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की वजह से ये पार्टिकल जो होगा यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा। अब ये पार्टिकल जब रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर मूव कर रहे हैं तो यहां पर भी हमने पोटेंशियल अप्लाई किए हुए, तो ये पार्टिकल ऐसे ही इसके अंदर मूव करता रहेगा, ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे एज अ ऑसिलेटर हम डिस्कस करेंगे, तो ये पार्टिकल इस चीज के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा। अब जो हमने बॉक्स लिए हुए तो जो पार्टिकल यहां से यहां तक इसकी जो विड्थ आ रही है तो x इज इक्वल टू 0 और यहां पर x इज इक्वल टू l ले लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास l के इक्वल है, x इज इक्वल टू l हमारे पास है। इस साइड हम ये लेंगे कि x इज लेस देन 0 और ये वाली साइड जो होगी x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास केस आ जाएगा। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो है जिसे हमने ड्राइव किया था तो उससे देखते हैं, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारे पास ये आ रही है डी स्क्वायर साय अवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम अवर एच कट स्क्वायर ई माइनस पोटेंशियल जो अप्लाई किए हुए, तो यहां पर किसी बुक्स में इसे यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई माइनस वी नॉट psi is equal to 0, ये time independent Schrodinger wave equation है। अब देखें हमारे पास region 3 आ रहे हैं, particle की जो probability है region 2 में maximum है, reason ये है कि यहाँ पर potential 0 है तो particle यहाँ से ये transmit नहीं होगा। रीजन 1 और रीजन 3 में इसकी probability जो होगी 0 होगी क्योंकि particle इन दोनों region में lie नहीं कर रहा, तो सिर्फ हम रीजन 2 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को लिखेंगे, तो रीजन 2 में हमारे पास जो पोटेंशियल आ रहा है वी नॉट इज इक्वल टू 0, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम ओवर एच कट स्क्वायर ई, और पोटेंशियल जो होगा तो ये 0 है तो ई साई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेट 2 एम E over H cut square is equal to, इसको हम ये K naught के लें या K कुछ भी इसको constant ले लें, K naught square। अब हम इस K naught ले लें, इसमें put करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा D square psi over DX square plus इसकी जगह पर k नॉट psi इज इक्वल टू 0, ये जो कांस्टेंट होगा तो इसकी जगह पर ये लिख लेंगे और इसको नाम दे इक्वेशंस 1 का। अब हम डायरेक्ट इक्वेशंस 1 जो आ रही है तो इस इक्वेशंस 1 का सॉल्यूशंस लिखेंगे, इक्वेशंस 1 का जब हम सॉल्यूशंस लिखेंगे तो इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस ये आएगा psi इज इक्वल टू a cos, अब यहां पर a जो आ रहा है तो a रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा, तो a एज अ एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो a साइन ऑफ dx प्लस थीटा। अब ये जो x आ रहा है तो इसमें वन डायमेंशनल केस ये है कि जो पार्टिकल है अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है, सिंगल एक्सिस में मूव कर रहा है।
अब इस इक्वेशन में तीन कांस्टेंट हमारे पास आ रहे हैं, ए बी और थीटा। इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कांस्टेंट ए बी और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो तीनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो। तो क्लासिकल जब हम डीब्राई हाइपोथेसिस की बात करते थे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, मीन्स अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल, यहाँ पर ये मटेरियल पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है अलॉन्ग, ये हमारे पास x एक्सिस आ रहा है, मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट होंगी, नंबर ऑफ वेवलेंथ ऐसे एसोसिएट होंगी। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा वेवलेंथ भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक फंक्शन रिक्वायर्ड था और उस फंक्शन को हम साइज से एक्सप्रेस करते थे, वेव फंक्शन हम कहते थे। अब यहां पर लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि पार्टिकल इस रीजन में लाई कर रहा है, ये रीजन है, और उसका वेव फंक्शन यहां पर देखें। तो पार्टिकल यहां पर है तो यहां पर इसके साथ वेव एसोसिएट होगी। अब इस रीजन में इस पार्टिकल का वेव फंक्शन जो होगा ये जीरो होगा। इसी केस को यहां पर देख लें कि x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जब पार्टिकल इधर आएगा तो यहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका वेव फंक्शन जीरो होगा। जैसे पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका वेव फंक्शन जीरो है। तो व्हेन x इज इक्वल टू n, सॉरी व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, यहां पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू जीरो द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट जीरो, तो वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल जो होगा ये जीरो हो जाएगा। इसको पुट करेंगे इक्वेशंस वन में, तो इक्वेशंस वन implies that b square psi over, sorry equations 2 में, तो इसको equations 2 का नाम है, equations 2 में put करें, equations 2 implies that psi, तो psi की जगह पर 0 is equal to a sine of x is equal to 0 है, तो b into x, तो ये 0 हो जाएगा, तो sine हमारे पास यहां पर रह जाएगा साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ हम ए जो है इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो ओवर ए जो होगा तो ये हमारे पास जीरो ही आएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर थीटा जो होगा ये जीरो हमारे पास आएगा। अब यहां पर हम जीरो डिग्री नहीं कहेंगे, अब सिर्फ थीटा जो होगा ये हमारे पास जीरो आएगा, तो थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है। सेकंड, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल, इस पॉइंट की बात करते हैं कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल, कि जब पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू एल पर हो तो यहां से भी ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। जब पार्टिकल यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा तो यहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका वेव फंक्शन x is equal to l के ऊपर भी the wave function of the particle जो होगा psi जो होगा ये zero हो जाएगा। Again हम put करेंगे equations 2 में, जब equations 2 में put करेंगे तो equations 2 implies that psi is equal to, sorry psi हमारे पास zero आ रहा है, तो psi की value psi की जगह पर zero आ जाएगा, a sine of b, अब x तो x की जगह पर l आ जाएगा और थीटा, तो थीटा की जगह पर हम ये पुट करेंगे कि थीटा हमने फाइंड किया था थीटा 0 तो प्लस 0, तो a के साथ उसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो 0 इज इक्वल टू sin bl, तो ये बन जाएगा bl इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 0 एंड bl इज इक्वल टू sin इनवर्स आप जीरो, तो यहां पर n पाई। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि साइन इनवर्स जीरो तो साइन इनवर्स n पाई, यहां पर हमारे पास डिग्री नहीं आ रही, तो यहां पर हमारे पास एंगल फाउंड होगा, तो इस केस में हम ये लिखेंगे बी एल इज इक्वल टू एन पाई, तो b की वैल्यू इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे तो b हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू एन पाई ओवर l। तो दो कांस्टेंट जो हमारे पास आ रहे हैं b और थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं a की वैल्यू। यहां पर एक ही जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में,
तो साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी, तो बी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी एन पाई ओवर एल वैल्यू, और साथ ये एक्स आ रहा है, थीटा जो हमारे पास है तो जीरो आ रहा है, तो इसको नाम दे दें इक्वेशन थ्री का। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास ये है कि जो वेव फंक्शंस हमारे पास आ रहा है तो उस वेव फंक्शंस का अगर स्क्वायर लें, तो वेव फंक्शन जो है तो उस वेव फंक्शंस का स्क्वायर लें, तो ये हमें पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये लिखेंगे साई बी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे साई डी एक्स, तो जब हम इस कांस्टेंट का स्क्वायर, ये जो हमारे पास साई आए तो इसका स्क्वायर लें, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एल एक्स, और साथ ये डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। नाउ द प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किस वक्त होगी, जब एक्स हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो टू यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जो के विड्थ आ रही है, x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू l साई स्क्वायर बी एक्स इज इक्वल टू वन, इसे हम नॉर्मलाइजेशन भी कहेंगे, या फंक्शन जो होगा ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर लें, तो x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू एल, तो वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एल एक्स, और साथ बी एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। इसको नाम दें इक्वेशन फोर का। इक्वेशन फोर में हम ये कहते हैं कि लेट एन पाई, ये जो इसको लिखते हैं एन पाई ओवर एल एक्स, इसको हमने लेट कर लिया कि ये फाई के इक्वल है, यहां से डेरिवेटिव ले रहे हैं d phi is equal to n pi over l, ये कांस्टेंट आ रहा है और x वेरिएबल हमारे पास आ रहा है, तो ये dx बन जाएगा। dx की वैल्यू रिक्वायर्ड है, dx की वैल्यू फाइंड करें, तो dx is equal to l over n pi d phi, ये हमारे पास dx की वैल्यू होगी। अब इसमें साफ कंडीशन रिपोर्ट करते हैं, कंडीशन हमारे पास ये आ रही है कि when x is equal to 0, तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, तो x इज इक्वल टू l ओवर n पाई फाई, जब हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो होगा तो फाई भी जीरो आ रहा है, ये जो इक्वेशन है, तो इसे x जीरो होगा तो फाई भी जीरो आ रहा है, और जब हम x इज इक्वल टू l लें, जो हमारे पास है x इज इक्वल टू l, तो फाई जब हमारे पास होगा, तो when x is equal to l हमारे पास आए, तो इस केस में x is equal to l पुट करें, तो यहां पर अगर हम पुट कर लें l आ जाए, तो l l के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से phi is equal to n phi रह जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 4 में, नाउ इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट a स्क्वायर कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर कंडीशंस हमारे पास x इज इक्वल टू अब 5 में पुट करेंगे, तो ये हम पुट करेंगे, तो 5 0 टू n पाई साइन स्क्वायर n पाई x ओवर l, तो n पाई x ओवर l, तो इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे कि n पाई x ओवर l ये phi के इक्वल है, dx तो dx की वैल्यू हमने यहां पर पुट करनी है, तो ये l ओवर n पाई d phi is equal to 1, तो ये बन जाएगा a square l over n pi, ये कांस्टेंट आ रहा है बाहर लिख लें, 0 to n pi sin square phi d phi is equal to 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 से डिवाइड भी कर लें।
उस नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि a स्क्वायर l ओवर 2n पाई 0 टू n पाई, इसमें 1 ऐड भी कर लें, 1 हमने ऐड किया और इसी 1 को हम सबट्रैक्ट भी कर लें और साथ ही रह जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर पाई d पाई इज इक्वल टू 1। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है इसमें से माइनस जो है कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बन जाएगा। जब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बन जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई हमारे पास इक्वल है कॉस 2 पाई के, तो इक्वेशन 4 तो ए स्क्वायर एल ओवर 2 एन पाई 0 टू एल, 1 अपनी जगह पर ही और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई, तो ये हमारे पास इक्वल है कॉस 2 पाई के, तो माइनस कॉस 2 पाई डी पाई इज इक्वल टू 1। Guys, that a square l over 2n pi और यहां पर 0 to n pi 1 तो d phi, तो यहां पर ये आ जाएगा d phi minus 0 to n pi cos 2 phi और इसकी जगह सार d phi is equal to 1 के इक्वल है। a square l 2 n pi, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर phi और ये साथ 0 to n pi लिमिट आ जाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा sin 2 minus sin 2 फाइ और साथ इसकी लिमिट 0 टू एन फाइ इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर एल 2 एन फाइ फाइ, तो लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट एन फाइ माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन 2 एन फाइ ओवर 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो साइन 2 0 को करेंगे तो ये 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 लें, जब हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 0 होगा, तो यहां से रह जाएगा a स्क्वायर l ओवर 2 n पाई n पाई is equal to 1, n pi यहां से cancel हो जाएगा तो a square l over 2 is equal to 1, तो a की यहां से value find करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा a is equal to square root of 2 over l। तीसरा constant जो था a, तो उसकी value हमने find कर ली। अब ये जो a की value आ रही थी तो उसको हम यहां पर put करेंगे equation 3 में, तो equation 3 में जब हम put करेंगे तो equation 3 implies that psi is equal to a, तो a की जगह वैल्यू पुट कर लें स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर l sin ऑफ n pi l x। अब ये हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही है तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है वेव फंक्शंस ऑफ अ पार्टिकल जो कि सिंगल बॉक्स जो है तो उसमें मूव कर रहा है। अब जो हमने वेव फंक्शंस फाइंड किया है तो उस हमने यहां पर कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल के, नाउ वी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। तो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि जो
ये वाली जो इक्वेशन आई है इसका टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो टू टाइम हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन आ रही है इसको मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ओवर एच कट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाली जो इक्वेशन है तो इसमें प्रूव करेंगे जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर। नाउ अब ये वाली जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा डी साई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू ओवर एल कॉस ऑफ एन पाई एल एक्स, और इसका फिर लेंगे तो ये एन पाई ओवर एल हो जाएगा। अब डी स्क्वायर में पुट करना है तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन जब मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं, जब हम अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो अपनी जगह पर आएगा टू ओवर एल, यहां पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन को यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव जो आएगा माइनस साइन, और उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो एन पाई ओवर एल अगेन आएगा, तो ये बन जाएगा एन पाई ओवर एल स्क्वायर, और साथ यहां पर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू ओवर एल साइन ऑफ एन पाई एल एक्स। अब ये जो इक्वल है तो ये साई के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और साथ आ जाएगा साई। अब ये जो इक्वेशंस आ रही थी जो हमने श्रोडिंगर का इक्वेशन जिसमें वी नॉट जो था जीरो पुट किया था उस इक्वेशन में पुट करें, वहां पर आप शुरू में कोई नाम दे रहे हैं, जब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इंप्लाइज दैट कि इस इक्वेशन को स्टार का नाम दे दें, इक्वेशन स्टार इंप्लाइज दैट, अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस एन पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर साई प्लस टू एम ई अवर एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू, तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, साई साई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एन पाई स्क्वायर अवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम अवर एच कट स्क्वायर, और ये ई आ जाएगा, हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम एल स्क्वायर, जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम एल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर n क्या है, n इंटीजर है 1 2 3 अप टू सो ऑन n, यहां पर ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो इक्वेशंस आई है तो ये n स्टेट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां पर अगर देखें कि कौन सी टाइप के ये जो पार्टिकल था ये जो बॉक्स में मूव कर रहा था तो इसके साथ कौन किस टाइप की वेवलेंथ एसोसिएट है, कि कौन सी वेव यहां पर किस टाइप की वेव होंगी, तो उन वेव को फाइंड करने के लिए हम ये लिखेंगे कि कौन सी वेव टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्ड इन द बॉक्स, कि किस टाइप की वेव फॉर्म हो रही है, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे साई एक्स टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ टी। अब ये फाई ऑफ टी जो है तो इसे हम ये लेते हैं फाई ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी के इक्वल है, इसमें पुट कर लें साई ऑफ एक्स टी
इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स, तो साई ऑफ एक्स ये हमारे पास आ रहा है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लें 2 ओवर एल साइन ऑफ एन पाई ओवर एल एक्स और साथ फाई ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब ये जो वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टैंडिंग वेव जो यहां पर पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के साथ इस तरीके से स्टैंडिंग वेव एसोसिएट होंगी कि यहां पर जो सॉरी वेव फॉर्म हो रही है, तो स्टैंडिंग वेव इस बॉक्स के अंदर जो वेव फॉर्म हो रही है, तो स्टैंडिंग वेव यहां पर फॉर्म हो रही है। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ ऑफ द वेव कि जो वेव यहां पर है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो वेवलेंथ के लिए हम यूज करेंगे डी ब्रॉली हाइपोथेसिस को। तो डी ब्रॉली हाइपोथेसिस ये था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी या पी एन। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ अगर है तो लैम्डा एन इज इक्वल टू एच ओवर पी एन, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगी। अब यहां पर पी एन जो है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पी एन हमारे पास इज पी इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होगा, तो सो दैट पी एन इज इक्वल टू एम वी एन के इक्वल होगा। इसी क्वेश्चन का स्क्वायर लें तो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लें पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम और यहां पर 1/2 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर लिया, एक एम यहां पर लिख लिया है और दूसरा एम वी एन स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। तो ये एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो इसको हम ये लिखें काइनेटिक एनर्जी एज ए टोटल होगी, तो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2m वी एन, एनर्जी ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल। अगर ई एन हो तो ई एन इज इक्वल टू 1/2 वी एन स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसकी जगह पर यहाँ पर हम ये ई एन, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू पी की चाहिए, तो पी एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mEn। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो लैम्डा एन इज इक्वल टू एच ओवर पी एन, तो पी एन की वैल्यू हमारे पास ये है 2mEn। अभी जो हमने एनर्जी की वैल्यू फाइंड की थी, तो एनर्जी की वैल्यू ये आ रही है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, तो एनर्जी की वैल्यू यहां पर पुट कर लें लैम्डा n इज इक्वल टू h ओवर 2m, एनर्जी की वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर आ जाएगा। 2m यहां से कैंसिल हो गया, लैम्डा n इज इक्वल टू h ओवर n इसके साथ, तो n पाई h ओवर l, लैम्डा n इज इक्वल टू यहां पर ये h काट लें, लैम्डा n इज इक्वल टू l h ओवर n पाई h काट s h काट व्हिच इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कांस्टेंट इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई के इक्वल है, तो यहां पर पुट करें तो लैम्डा एन इज इक्वल टू एल एच ओवर एन पाई, तो एच कट की वैल्यू एच ओवर टू पाई, तो ये एच इसके साथ कैंसिल, पाई यहां कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा लैम्डा एन इज इक्वल टू टू एल ओवर एन। When n is equal to 1, when n is equal to 1, इसमें पुट करें तो lambda 1 is equal to 2l over 1 which is equal to 2l के। अब ये हमारा केस था कि यहां पर ये बॉक्स बन रहा था, तो इसमें हमारे पास ये दो एंड पॉइंट आ जाएंगे, ये एंड पॉइंट ये वाल हम ये कह लें एंड पॉइंट। अब ये x is equal to l, तो when 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, तो इस केस में ये हमारे पास इस टाइप की वेव फॉर्म होगी कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू ये 2l के इक्वल होगा।
व्हेन एन इज इक्वल टू टू, इसमें पुट करें, जब टू पुट करेंगे तो लैम्डा टू इज इक्वल टू, यहां पर सिंगल वेवलेंथ, ये सिंगल वेवलेंथ आ रही है, हमने वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी थी, जब टू पुट करेंगे तो टू एल ओवर टू कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा टू इज इक्वल टू, ये हमारे पास एल आ जाएगा। तो इसे ऐसे ही कैंसिल ना करें तो ये बन जाएगा 2L over 2। तो यहां पर जो वेवलेंथ होगी तो इस टाइप की वेवलेंथ होगी। तो ये 2L over 2 आ रहा है। When lambda 3 तो ये बन जाएगा 2L over 3। इसे देखें, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l, किसके इक्वल आ रहा था तो 1 ओवर 3 लिख लें, तो यहां पर 2l की जगह पर ये लैम्डा 1 भी ले सकते हैं। तो जब हम इसके लिए ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कि इस केस में हमारे पास लैम्डा 3 यहां पर सिंगल वेवलेंथ, ये डबल, और यहां पर ये ट्रिपल वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएट होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि जिसमें हमने डिस्कस किया है पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। तो दोबारा देखें कि हमने जो बॉक्स दिया था कि इस टाइप का एक बॉक्स है। अब बॉक्स क्या है कि इसमें हमने पोटेंशियल अप्लाई किए हुए पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। जब पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पार्टिकल इससे बाहर ट्रैप्ड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर भी पोटेंशियल ज्यादा है, और ये इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो पार्टिकल के ट्रैप आउट होने के चांसेस कम होंगे। एंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन दिस रीजन, जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा तो यहां पर इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमने ये कहा कि इसकी जो वेवलेंथ होगी तो एनर्जी भी कैलकुलेट की, इसकी प्रोबेबिलिटी भी, इसके हमने वेव फंक्शंस भी कैलकुलेट किया। अब ये जो वेवलेंथ होगी तो इस पार्टिकल के साथ अब ये इस तरीके से मूव करेगा, तो इसमें इस टाइप की यहां पर नंबर ऑफ वेवलेंथ ऐसे एसोसिएट होंगी। और दूसरा पॉइंट कि जब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो यही पार्टिकल एक्ट करेगा एज अ ऑसिलेटर। अब ये वन डायमेंशनल केस लिया हुआ है तो वन डायमेंशनल केस में ये लीनियर ऑसिलेटर के तौर पर भी एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशन, जिसे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स या पोटेंशियल बैरियर भी हम कह सकते हैं कि जिसमें हम इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई करें।